वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड जो होता है उससे अलग होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा। Hence, high melting point will not be the common characteristic of a covalent compound. So this is not the correct option here. It is not the common property generally. Number two, in the molten state, it can conduct electricity. The answer is no. Covalent compound में covalent bonds होते हैं, ठीक है? तो covalent compound liquid state में melt नहीं करता। वो लिक्विड स्टेट में अपने इन द लिक्विड स्टेट जब इसे हीट करके मेल्ट कर दिया जाए तो वो अपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, आयोनाइज नहीं होता। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज अगर कोवेलेंट कंपाउंड मोल्टन स्टेट में आयोनाइज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर कैटायंस और एनायंस के रूप में कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली करेक्ट है, कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी आयोनाइज नहीं होने की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते हैं। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is always soluble in water. The answer is no. Covalent compounds are sometimes soluble in water and sometimes not soluble in water. जब covalent compounds polar nature के होंगे तो they are soluble in water and when their nature is non-polar that time they are insoluble in water. Thank you.